श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में बताते हैं कि वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए अचूक उपाय क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से सुनते हैं। कितनी जोरदार जोरदार बात तुमको आती है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं है। पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली बदली दिख रही है। थोड़ी सी बदली सी दिख रही है, यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लव लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाएगा। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए, तो घर के लोग भी कहेंगे कई काहे को ठीक क्यों गए। थोड़ा बदलाव आना चाहिए। यहां से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर शंकर की धरा से, महादेव की भूमि से आई है तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अब शब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या, तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते, तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सबसे नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ, जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। बैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है,